कितना बच्चों का, कितने लोगों का परिवार है? हमारा परिवार है दो बच्चे और अपना मियां बीवी है दो जन। तो अब अभी कुछ आपके जहन में नहीं है कि अब आगे? नहीं, अभी अभी कोई जहन नहीं, इससे जैसे झुग्गी में। आप ये कह रहे हैं कि जो सीढ़ियां भी तोड़ दी? हाँ, देख लीजिए ना, जाने आने के लिए सब तोड़ दिया, कुछ नहीं रखा इन्होंने। वो भी आपके घर का? नहीं, वो पड़ोसी का। पड़ोसी का? हाँ। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। इस औरत को देख रहे हैं, बेबस जमीन पर बैठी हुई है। उसका पूरा आशियाना जो है वो तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एमसीडी जहांगीरपुरी में बुलडोजर के जरिए अवैध मकान तोड़ रही है उस पर रोक लगाने के आदेश, मगर जैसे कि एएनआई की खबर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई जारी रही। आज मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का कैसा अहंकार है कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मायने नहीं रखते हैं? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगी? इस तरह से आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे? चलिए, मैं समझ सकता हूं इन गरीबों के आंसू आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो गरीब लगातार कह रहे थे कि हम तो 20 साल से यहां रह रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये अवैध मकान थे, इलीगल मकान थे, इन्हें तो गिरना ही था। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर भारतीय जनता पार्टी का अवैध मकानों के बारे में अंदाजे बयां कुछ और था। 2014 का यह फरमान देखिए साहब, यह खबर देखिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2014 तक जिन लोगों के मकान बन गए बेशक वो अवैध हों, उन्हें जो है वैध किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। 2019 को चुनावों से पहले जो इरेगुलर कॉलोनीज हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, उनको रेगुलर करने को लेकर आप एक फरमान लेकर आए थे, आप एक प्रस्ताव लेकर आए थे। इन्होंने जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले एक नारा भी लगाया था कि जहां झुग्गी वहां घर, यानी कि इलीगल कॉलोनीज के बाद जो झुग्गियां अवैध तौर पर हैं उन्हें वैध करने के पक्ष में भाजपा थी, मगर आपने इस तरह से बुलडोजर से रौंद दिया कई आशियानों को। और आज तक की इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, वहां पर कई ऐसे लोगों के घर भी तोड़ दिए गए जिनके पास कागज थे। और हां, तंज मत कसिए, ये कागज थे किसी गुप्ता जी के पास, किसी गुप्ता जी की दुकान तोड़ दी गई है। वो क्या कह गए हैं हमारे वो इंदौर वाले चचा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, न्यूज क्लिक वहां मौजूद था, मेरे सहयोगी रवि कौशल आप तक ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। देखिए देखिए अभिषेक, अभी हम जहांगीरपुरी में खड़े हैं जहां पे आज एमसीडी और दिल्ली पुलिस का जो है एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। बुनियादी तौर में आपको मैं बता दूं कि ये अतिक्रमण हटाने का ही था, लेकिन इसकी जो हम कहें महत्ता जो है वो अतिक्रमण हटाने की मुहिम से कहीं ज़्यादा इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग की है कि हमने जब एक जगह पे दंगा हुआ तो दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए जो है उनके जो घर हैं या फिर उनके जो रोजगार के माध्यम हैं उनको तोड़ा है और उनको एक सबक दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पर देखिए, ये पीछे एक जूस की दुकान है और ज़्यादातर जो लोग की यहाँ पे जो रेड़ी पटरियाँ तोड़ी गई हैं या फिर उठाई गई हैं वो रोज का कमाने खाने वाले थे। अब उनके सामने जाहिर तौर पर एक हम कहें कि रोजगार का संकट होगा, उनकी जीविका का संकट होगा, लेकिन टीवी, नेशनल मीडिया और हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो इसी चीज़ को लेकर है कि हमने दंगाइयों पर कार्रवाई की, हमने दंगाइयों को सबक सिखाया है। शुक्रिया दोस्तों। आपको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि एमसीडी के चुनाव होने वाले होते हैं, उन्हें मुलतवी कर दिया जाता है, फिर लोकसभा में तमाम जो एमसीडीज हैं उन्हें एक कर दिया जाता है, उसके बाद हनुमान जयंती होती है। हनुमान जयंती में दिल्ली पुलिस दो यात्राओं की अनुमति देती है, मगर एक तीसरी यात्रा होती है और उसी तीसरी यात्रा के जरिए दंगे भड़क उठते हैं, मुसलमान निशाने पर आ जाता है। और उसके बाद ये शख्स आदेश गुप्ता अपने इस खत में कहता है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला दिया जाए। मैं ये जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं, मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि ये जो सारी कवायद हो रही है ना जहांगीरपुरी में हिंसा से लेकर अब तक, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनाव हैं और कहीं और नहीं। क्योंकि अब यही जो बुलडोजर की तस्वीर एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को दिखाएगी और नकली राष्ट्रवाद पर फिर से वोट्स हासिल करेगी। दरअसल ये जंग कहीं ना कहीं दिल्ली और आम आदमी पार्टी के बीच में है। चार या पांच लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई जेल में डाल दिया गया। इसमें एक शख्स का बार बार नाम सामने उभर कर आ रहा है जिसका नाम है अंसार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है। ये कहा है कि उसके जो रिश्ते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने भी सबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बीजेपी के मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आप सुने। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? सबको पता है कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। CAA, उसके विरोध के समय तरह तरह के अपराधों में लिप्त, और आम आदमी पार्टी का इनसे बहुत प्रेम भाव है, वो उनके पार्टी के लिए काम करते हैं, पदों पे आते हैं, उनको बड़ी आसानी से उनके वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। जरूरत है कि अब इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है कि दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आतिशी जो कि विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ये चार तस्वीरें पेश की हैं। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंसार दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कैंपेनिंग करता हुआ चारों जगह। एक जगह आप देख सकते हैं उसने भाजपा की टोपी पहनी है, एक महिला जो कैंपेनिंग कर रही है उनके लिए, एक जगह इसने सफेद टी शर्ट पहना हुआ, हाथ इस तरह से उठाया हुआ है आपके स्क्रीन पर, फिर एक जगह इस तरह से नारे लगा रहा है, और इन तमाम जगहों पर वो भाजपा के नेताओं के साथ है अंसार, जो अभी रासुका के अंतर्गत जेल में बंद है। आतिशी क्या कह रही है, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है, उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये साफ है भाजपा ने दंगे करवाए, भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे, भाजपा गुंडों लफंगों की पार्टी है। अरे बताइए गुप्ता जी, ऐसा है क्या, भाजपा क्या गुंडों और लफंगों की पार्टी है? ये क्या कह रही है आतिशी, बात यहां नहीं रुकती, आम आदमी पार्टी भी कह रही है एक्सप्लोजिव। द मास्टरमाइंड ऑफ जहांगीरपुरी राइट्स अंसार इज अ बीजेपी लीडर, इट इज नाउ एम्पली क्लियर बीजेपी ऑर्केस्ट्रेटेड राइट्स इन दिल्ली ऑन ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती। यानी कि वो कह रहे हैं कि हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने दंगे करवाए। ये तो चलिए दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहस हो रही है, मगर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि बंद कीजिए
बावजूद इसके आप ये तमाम हरकतें कर रहे थे, क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह इसकी? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की जो तीसरी यात्रा थी जहांगीरपुरी में, वो इलीगल थी। ये मेरे शब्द नहीं है, दिल्ली पुलिस के हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने अभी तक विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया। एक प्रेम शर्मा को इन्होंने बुलाया था पूछताछ के लिए, और उस पर जैसे ही वीएचपी ने इन्हें जो है डांट लगाई, दिल्ली पुलिस हिल गई। अब तक इन्होंने जिन लोगों ने यात्रा निकाली थी जिसके चलते दंगे हुए, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। विनोद बंसल हैं वीएचपी के नेता, धमका रहे हैं दिल्ली पुलिस को, तुम्हारी हिम्मत है तो छूकर दिखाओ हमारे किसी कार्यकर्ता को। बताइए, दिल्ली पुलिस को धमकी देना, जिनके बॉस अमित शाह हैं, ये धमकी आप कैसे निकल गए, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है इसकी आप निकल गए? क्या ये सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया में ये मुद्दे कोई नहीं उठाने वाला है। मैं बात स्पष्ट कर दूं, जो कॉलोनियां अवैध हैं, इलीगल हैं, मैं उनके लिए आंसू नहीं बहाने वाला हूं। मगर ये घर दो दो दशक से वहां पर खड़े हुए थे, ये दुकानें वहां पर चल रही थीं, किसी ने अब तक नहीं छुआ। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक टकराव होता है, ये तमाम चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती, और फिर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अदालत के किस फरमान में लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि जो लोग गुनाह करें आप उन पर बुलडोजर चलाएं, अगर उन्होंने गुनाह किया भी है तो? क्योंकि आप चार पांच लोगों को तो जेल भेज चुके हैं ना, 23 लोगों को आप गिरफ्तार कर चुके हैं, नाम ले चुके हैं उनका, तो आप कानूनी कार्रवाई करें। ये तमाम चीजें कर आप सस्ती राजनीति कर सकते हैं, वोट्स हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गलत कहा मैंने? हकीकत यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बुलडोज किया गया है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने किया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कानून की क्या इस तरह से अनदेखी होती रहेगी? क्या इस देश में अब अदालतें नहीं चलेंगी? सबसे दुख की बात यह है कि इनके पालतू मीडिया जो है वो आज के दिन सुबह से तालियां बजा रहा है। क्या इनके मन में अदालत के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है? अदालत के फैसलों की आप और हम आलोचना कर सकते हैं, मगर उस फैसले के आने के बावजूद जिस तरह की सांवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आज हमने जहांगीरपुरी में देखा, उस पर किसी पत्रकार ने सवाल नहीं उठाए। आज अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो हमें खुद को लोकतंत्र कहने का कोई अधिकार नहीं है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हर छोटी सी छोटी चीज पर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, मगर देश को जिस तरह से सांप्रदायिक आग में ढकेला जा रहा है, जानबूझकर ढकेला जा रहा है, प्रधानमंत्री उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। कितने दुख की बात है। मगर यहां न्यूज क्लिक पर हम आपके सामने मुद्दे उठाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। नमस्कार।